हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का व्लॉग मैं बाहर से स्टार्ट कर रही हूँ। घर से मैं जल्दी निकल गई थी तो मुझे मतलब याद नहीं रहा कि मुझे शूट भी करना है व्लॉग का, तो अभी मैं चल जल्दी शूट कर रही हूँ। अभी गाड़ी भी मिल गई, देखती हूँ। तो गाइस, मुझे अभी वहाँ से गाड़ी मिल गई थी, डायरेक्ट मैं आपके वुल्फ के पास पहुँच चुकी हूँ। आप बोल रहे थे कि मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करनी है, तो करो ना मिसअंडरस्टैंडिंग। अरे तुम्हारी फैमिली बोल रही थी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करो, मिलो उसके साथ मिल के व्लॉग्स बनाओ, इसलिए मैं आ गई। फिर अभी तो फिलहाल हमें रोज़ा है आज, तो हम भी चलते भाई। आज हम लंच वगैरह करते साथ में, क्योंकि बहुत दिनों से सारी लड़ाइयाँ वगैरह हो रही हैं, तो मुझे खुद भी जो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर रही थी वो तो ज़्यादा बिगड़ गई ना। अब मैं इस चीज़ को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो बिगड़ गई। एक्चुअल में आप सारी चीज़ें आस्ता आस्ता बताएंगे ऑडियंस को, हुआ क्या है उस जगह पे JDA पार्क में, मतलब सारी स्टोरी जो है अभी हम एक्सपोज नहीं करेंगे। बाकी बंदे भी अपलोड कर रहे हैं वो व्लॉग जो हमारे साथ थे, तो अभी फिलहाल ये चीज़ बोलनी है इनको, नहीं बोलनी है? क्लियर बोलनी चाहिए, वरना मैं बोलने भाई मैंने बड़ा कुछ बोल देना। तो ब्लॉग जो है इस बंदू ने पहले ही शूट कर लिया हुआ था वहाँ पे, कैमरा छुपा के जब मैं इसके साथ मिलने आया था। माना तू गलत नहीं थी वहाँ पे, चल अंदर बैठ के बात करें। आप यहाँ देख कर चलेंगे, क्योंकि अंदर जब भी बात करते हैं बाहर बहुत ज़्यादा धूप है। क्या करते हो यार? दोस्त है, दोस्तों के साथ भी टाइम देना पड़ता है भाई। चलो तो अभी मेरा रोजा था तो मैंने बोला यार मैं तो जा नहीं सकता अंदर, जाऊंगा लेकिन तू खा लेना कुछ, कॉज इसका लंच वगैरह अभी इसने किया नहीं है। सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ है। हां तो आज बेकर्स आए हम साथ में इसको लेके अपने साथ। आज चलो अभी अंदर इसके साथ आया, कॉज आपको पता है। गाइस अभी श्वेता के फोन से शूट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे 0% पे नहीं आता करने, और मतलब 1x पे नहीं आता करने, उससे आता है उससे बोला कि भाई 1x पे मैं दिखाऊंगा, जरा दूर रखना पड़ता है कैमरा। तो अभी सारी बातें तुम्हें बतानी है कल के बारे में भी। पहले इसका हमने ऑर्डर वगैरह दे दिया, तो कोक लाई इसने अपने लिए पीने के लिए, तो हमने कुछ नहीं लाया, हमने रोज़ा रखा हुआ है, तो हम ऐसे ही बैठेंगे इसके साथ। और आपको पता है रमज़ान का महीना है, ठीक है? तो ठीक है, प्रैंक करके अभी खाना खा लिया, तो अभी तुम टॉन्ट मार रहे हो मुझे है? नहीं नहीं, मेरे कमेंट मुझे ही सुना रहे हो, जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ तो फिर तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तुम बताओ ना मुझे मैंने क्या किया। मैं मुझे प्रैंक करना था मेरे साथ, प्रैंक 2 दिन चलता है, 3 दिन चलता है जब मैंने अच्छा नहीं मैंने इसके साथ प्रैंक किया था, तो तुमने क्या किया? अगले दिन लड़की घुमाने लगा है ना? क्या किया मैंने? लड़की घुमाने लगा पीहू के साथ घूमने, गर्लफ्रेंड है मेरी। मैंने तो किया, थंबनेल क्या लगा रहा था? माय न्यू गर्लफ्रेंड। मैंने कौन सा थंबनेल लगाया? पीहू के माय फ्रेंड। मैंने माय बताओ मैं फिर यार थंबनेल से गर्लफ्रेंड वाला लगा रहा, झूठ नहीं बोला सामने। आपने प्रैंक क्यों किया मुझे बताओ, और ना एक बात बताओ, सबसे बड़ी बात यह कि प्रैंक अकेले किया था अपने दम पे, किसी लड़के को बीच में नहीं लाया तुम्हारी तरह कि लड़कियां उठा के ला दी दिखाने के लिए। तो मैंने कौन सी लड़कियां लाई? तो आसिफ की फ्रेंड है मेरी, कुछ लगती नहीं हो। तो गर्लफ्रेंड का टाइटल किसने दिया? मैंने बोलना मेरी गर्लफ्रेंड है, बोलना मुझे हाँ दोती है ये बंदा, मेरे को फिर से लड़ाई का टैग दे रहा है। लड़ाई नहीं कर रहा, अच्छा मतलब नॉर्मली बोल रहे हो? नॉर्मली बोल रहे हैं, अपना कैमरा बंद करता। चलो तो बोलो ना, पूछो, इंक्वायरी करो, क्या आपके सवालात हैं, हम उनका जवाब देंगे। चलिए पूछिए। ये YouTube फैमिली बोल रही थी मिसअंडरस्टैंडिंग अपनी दूर करो सारी, आज मिलो उससे। रिएक्शन दिखाना राइट साइड कैसे देख रहे हो? देखो कि एक लड़की जो है बीच रोड में एक लड़के से क्वेश्चन पूछ रही है और लड़का जवाब भी दे रहा है, मीडिया वाली बन के बैठी हुई है कैमरा ऑन करके, है ना? मैं तो बस यही बोल रहा हूँ कि अभी जो है इतना प्रैंक लंबा नहीं खींचना चाहिए था आपको। मैंने प्रैंक लंबा नहीं खींचा था, मैं बीमार हो गई थी, तुम्हें भी पता है, ठीक है? तो प्रैंक क्यों किया? अब मेरे को बस इतना, अब मेरे को यहाँ पे सामने बता देना, तुम्हें पता था कि मैं बीमार हूँ कि नहीं? हाँ या ना, सच सच बोलना, हाँ या ना, हाँ या ना? जब मैंने कॉल्स के उठाए क्यों नहीं थे प्रैंक के टाइम, बोलो। इतना भी क्या हो गया यूट्यूब के लिए कि अपनी जान? और जब मैंने इसको कॉल किया इसने तब नहीं उठाए। तो YouTube के लिए कुछ भी करोगे मतलब? अभी अभी चैनल स्टार्ट हो गया YouTube के लिए, जब लोग मैंने इनके कहने पे तुम्हारे साथ बस प्रैंक किया था, लड़का नहीं लाया आज तक कोई बीच में, ठीक है? YouTube जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया कोई लड़का नहीं लाया, और तुम अपना बताना, अपनी करतूतें बताओ। तो उसको पूछो वहाँ पे, ओए क्या भाई लड़के लाते हैं? लड़के लाते हैं कौन? तो पीयू किसकी दोस्त है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताना चाहती हूँ जिससे आप पैसे कमा सकते हो। इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको रजिस्टर करने में मिल जाएंगे 41 रुपीज। कैसे इस ऐप को यूज करना है चलो मैं आपको वीडियो के थ्रू बताती हूँ। तो मैंने एप्लीकेशन फाइनली ओपन कर लिया और देखिए इसमें बहुत सारा गेम है जिसे आप खेल के पैसे अर्न कर सकते हैं। सो दोस्तों मुझे सिंपली सा ये मुझे लकी फ्रूट खेलना है और लकी फ्रूट पे क्लिक करके मैंने डाउनलोड पे लगा दिया। ये डाउनलोड हो रहा है गाइज, और देखिए ये हो गया
हो गया। सो दोस्तों इस गेम में कुछ खास नहीं है, सिर्फ आप लकी स्पिन कीजिए और पैसे कमाइए। सो दोस्तों लकी स्पिन मैंने कर दिया और ये देखिए, ये गाइस ये देखिए मैंने विन कर लिया पैसे, कुछ पैसे विन कर लिया। और देखिए दोस्तों फिर से मैं एक बार स्पिन करके ट्राई करता हूँ। सो दोस्तों फिर मैं स्पिन कर दिया हूँ, ये देखिए ये देखिए ये देखिए दोस्तों ये गया, फिर पैसे मेरा बढ़ रहा है दोस्तों, फिर मैं लकी स्पिन कर दिया हूँ। सो दोस्तों ऐसे ही कर करके बहुत सारे पैसे मैंने विन कर लिया और इसे विड्रॉ कर लेता हूँ। और दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं ऐसे पैसे कमा के विड्रॉ करना तो सो दोस्तों ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कीजिए और जाके पैसे कमाइए और विड्रॉ कीजिए। आप भी इसे खेल के अर्निंग कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो एंड प्ले नाउ। क्यों लड़कियां लाते हो आप? कौन लड़की लाई मैंने? भाई पीयू आप लेके आते हो लड़कियां? तो आपकी दोस्त है, आपने मुझे बोला ये सब। हाँ मेरी दोस्त ना यार। भाई अच्छा भैया एक मिनट, मैं पूछूं फ्रेंड चलो आपकी है, गर्लफ्रेंड का टाइटल किसने दिया था थंबनेल पे? किसी ने आपने? हाँ गर्लफ्रेंड वगैरह वो किसी से नहीं है, लेकिन फ्रेंड। टाइटल किसने दिया था, लिखा किसने था, आपने लिखा? इन्होंने खुद बोला था कि शोएब की न्यू गर्लफ्रेंड, वहाँ पे आप भी ये थंबनेल में लिख रहे हो, ठीक है? आप भी इसकी तरह हो, आप सच बता रहे हो, आपकी फ्रेंड थी वो? नहीं फ्रेंड तो आपकी थी। मेरी फ्रेंड क्यों थी भाई, लाई तूने व्लॉग में? अब इनका ना झगड़ा देख लो, सारे झगड़ा देखो कैसे लड़ रहे हैं। तुम नॉर्मली बात करता हूँ, हेलो हाय भाई, ज्यादा थोड़ी करता हूँ कुछ। और अभी भी इन्होंने बोला कि शेर तेरे को उसकी कॉल आई, पीहू ने तेरे को कॉल की व्लॉग्स के लिए, नंबर देके बैठे हो। देखो हमने कंटेंट के लिए कुछ नंबर क्या, वो तो मैंने देखा था लाइव में, तुमने सभी को मान लिया। शेर तो मैं बोल रहा हूँ, पीहू हमारी फ्रेंड है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है? बाकी किसी लड़कियों को बदनाम करके रखा हुआ है, गर्लफ्रेंड का टाइटल लगाना फिर, है ना? बदनाम हम किसी को नहीं कर रहे। किया है ना, किया नहीं किया? चलो तुम्हारा, मेरी बात सुनो, तुम्हारा छोड़ो, इन्होंने नहीं लिखा हुआ था भाई टाइटल, क्या लिखा था इन्होंने? किसको लिखा टाइटल, क्या लिखा? शोएब की न्यू गर्लफ्रेंड क्यों लिखा है आपने? एक्सपोज करना चाहते हो? आपने भी लिखा था अपने थंबनेल पे ऐसा? ये दोनों ही एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्या एक एक थाली के क्या चट्टे बट्टे? वो क्या होता है? मतलब दोनों ने काम एक साथ किया हुआ है और अब यहाँ पे मेरे सामने लड़ाई कर रहे हो, है ना? मैंने क्या किया ब्रो? देखो आप यार, आप मुझे ना, आप मुझे बोल रहे हो आप लड़की की इज्जत नहीं करते हो, लड़कियों से बोल रहे हो, गंदे गंदे नॉटी नॉटी बॉय। तो गाइज मेरी वुल्फ के साथ बात हो चुकी है, मतलब हमारे बीच में जो भी चीज़ें खराब हुई थी वो सारी ठीक हो चुकी है, मतलब प्रैंक से लेके जो भी एंड तक हुआ तो वो सारी हमने बात क्लियर कर ली है। बट जो अभी उसने रिसेंट व्लॉग डाला था, मतलब यहाँ पे हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मतलब किसी थर्ड पर्सन की आने की वजह से। मतलब जो थर्ड पर्सन था ना, उसने बहुत ही घटिया काम किया है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं अब। तो अभी आसिफ भैया और शोएब यहीं कहीं भी गए हुए हैं, उनको कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ काम था। तो जैसे ही अभी शोएब आता है गाड़ी में तो मैं उससे ये चीज़ पूछती हूँ, क्योंकि ये चीज़ उसी को पता थी, तो मुझे तो अभी भी पता चली है, उसने मुझे अभी दोपहर को बताई है। तो अभी वो आता है तो उससे मैं पूछती हूँ कि मतलब क्या हुआ है, क्या चीज़ है, मतलब क्या करना है अब। तो अभी मैं उसका वेट करती हूँ उसके आने का, तो फिर जब आता है तो उससे मैं बात करती हूँ।